स्वागत है मेरे दोस्तों आपका कार बाय 360 के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। आज हमारे पास है दी न्यूली लॉन्च बेलिनो CNG। स्वागत नहीं करोगे इस गाड़ी का। दिस कार वॉज एब्सोल्युटली द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड CNG व्हीकल्स इन इंडिया राइट नाउ। मारुति सुजुकी की तरफ से ये 10वीं गाड़ी है CNG। आई थिंक उन्होंने तो इसमें यू नो एक्सपर्टीज पूरी हो गई मारुति सुजुकी की। अब आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बेलिनो CNG है क्या, क्या क्या इसमें डिफरेंसेज हैं, कितना पावर का फ़र्क है, क्या प्राइस है, कौन से वेरियंट्स हैं। सारी डिटेल्स एंड तक जरूर देख लें और कार बाय 360 को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं और विवेक आपके लिए काफ़ी मेहनत करते रहते हैं इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। अब आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई इसमें फ़र्क क्या आ जाता है। पहले तो बता दो कि ये दो ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, डेल्टा एंड जेटा। डेल्टा और जेटा में अगर आप CNG वेरिएंट परचेज करना चाहते हो तो 95,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द पेट्रोल काउंटर पार्ट। अब इंजन वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है, पेट्रोल टैंक का साइज़ भी सेम ही आपको मिलता है, सिर्फ CNG टैंक एडिशनल ऐड हो जाता है और यहाँ पर एक बटन ऐड हो जाता है जिसमें पेट्रोल टू CNG या CNG टू पेट्रोल आप स्विच कर सकते हैं और MID के ऊपर आपको CNG की ऑप्शन मिलती है। अब अगर डेल्टा और जेटा में देखूँ तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि जेटा वेरिएंट एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बिकॉज 6 एयरबैग्स, टच स्क्रीन का यूजर इंटरफेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, चलो इसमें भी आपको मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं अलॉय व्हील्स और LED हेडलैम्प्स की वजह से जेटा वेरिएंट एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल यहां पर साबित होता है, बिकॉज थोड़ा ही फर्क रह जाता है। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो डेल्टा इज़ फॉर 8.28 लाख और अगर जेटा की बात करें तो 9.21 लाख एक शोरूम प्राइस आपको पड़ती है। बट अगर किसी ने पैसा ही बचाना है तो ऑफकोर्स डेल्टा वेरिएंट एक बहुत अच्छा वेरिएंट है वैसे भी, लेकिन अगर फीचर्स चाहिए तो आई थिंक गो फॉर दी जेटा वेरिएंट, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। अब इस केस में इस बेलिनो CNG में एक्सटीरियर में किस तरह का कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसका पेट्रोल काउंटर पार्ट लोगे या CNG लोगे, नो डिफरेंस एट ऑल। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट मैसेज, CMV360.com पे जाएं अगर आपको किसी भी कमर्शियल व्हीकल के बारे में डिटेल चाहिए, बिकॉज दिस इज द इंडियाज नंबर वन कमर्शियल व्हीकल पोर्टल। अब वैसे तो बेलिनो में आपको 318 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, लेकिन अगर इसका आप आपको CNG काउंटर पार्ट लोगे तो एक बड़ा 55 लीटर्स का टैंक मिल जाएगा और ये रहा इसका स्पेयर टायर। अब उसको फ्लैट नहीं लगाया जा सकता था, टैंक ऊपर तक आ नहीं पाता, तो बूट स्पेस एक्चुअल में ख़त्म हो गई। यही जो है मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है कि बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म। अगर टायर इसका नीचे भी होता, जैसे बहुत सारे सेडान्स में हमने डिज़ायर वगैरह में हम देखते हैं कि टैंक लगा है लेकिन जो टायर है वो नीचे, तो फिर भी आपको स्पेस मिल जाती है। जस्ट टू इलस्ट्रेट, लेट मी ब्रिंग अ बैग फॉर यू। अब CNG का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यही मुझे लगता होता है कि पावर लॉस तो चलो बंदा फिर भी कोप अप कर लेता है, लेकिन जब बूट स्पेस नहीं मिलती तो दिक्कत आती है। अब ये हमारा कैमरा बैग है तो ये बस आई थिंक पूरा यहाँ पर फिट हो रहा है। इसके अलावा छोटा कुछ ऐसे फ्लैट फंसाना चाहूँ, यहाँ फंसाना चाहूँ तो डैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुश्किल से 100 लीटर्स की बूट स्पेस बची है, आई थिंक 100-125 में भी, बट हमने कौन सा पानी भर रहा है, तो हम इसमें बड़े बैग्स की बात करें तो नहीं आ पाएंगे। ये सबसे बड़ा बैग है जो इसकी बूट स्पेस में आ सकता है। अब बेनिफिट तो CNG का है बट नुकसान भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बेलिनो CNG में अच्छी चीज़ ये लगी जो स्विफ्ट से डिफरेंट आ जाती है कि जो इसका नोजल है CNG फिल करने का वो यहीं पर दिया हुआ है इस तरफ, ये पेट्रोल वाला और आपका ये CNG वाला, ऐसा नहीं है कि CNG वाला अलग से कहीं लगा हुआ, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट बुरा नहीं लगता। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये इंटीग्रेट किया गया है और यहाँ से आप अपनी CNG फिल करा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी परफॉर्मेंस, पेट्रोल में वो जो इसका 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जनरेट करके देता है, अगर पेट्रोल कॉन्फ़िगरेशन रखें तो 90 BHP और साथ में 113 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर है, आपको अच्छी खासी एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर देता है सिटीज़ में, हाईवेज़ में, और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होती, ये फुल पैकेज आपको प्रोवाइड कर देता है। बट अब जिसको CNG लेने की रिक्वायरमेंट है, जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, फ्यूल में वो अपनी मनी सेव करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी सी पावर में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है विद द 77 BHP एंड 98.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब डेफिनेटली आप इसको जब व्हीकल को चलाएंगे, पेट्रोल से CNG में स्विच करेंगे, या आपने पहले कभी पेट्रोल चलाई होगी इसको CNG में चलाएंगे, तो आपको पावर की कमी जो है वो महसूस तो होने वाली है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बहुत कम फ़र्क है, बट फ़र्क है, नोटिसेबल डिफरेंस आपको क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। बट अब CNG है तो CNG के अलग बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, बिकॉज रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन एक बार इनिशियली आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इन दिस केस 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में फ़र्क आपको आएगा। अब जो बेलिनो CNG है इसमें ऑफ कोर्स टॉर्किनेस वो आपको कम महसूस होगी, गियर शिफ्ट डाउन जो है वो जल्दी करने पड़ेंगे, लेकिन अगेन सिटी में आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल राइड के साथ साथ एक फ्यूल इकोनॉमी कार बन जाती है ये बेलिनो CNG।
अब कंपनी ने इसको अल्फा मॉडल के साथ लॉन्च नहीं किया बिकॉज फिर बलिनो की ओवरऑल लाइनअप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। टॉप मॉडल में भी 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, लेकिन अब इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर की जाती है। और मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऑटोमेटिक के साथ सीएनजी सही रहेगा बिकॉज वो पावर की हमेशा कभी ना वो कमी महसूस होती रहेगी पर्सन को, जो इनिशियल डिले आएगा वो रहेगा। और अल्टीमेटली जो सीएनजी प्रेफर कर रहा है वो अपने पैसे बचाना चाहता है, वो अपने फ्यूल की पॉइंट से देखें या ओवरऑल मनी सेव करना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिक पे आई रियली डोंट थिंक सो स्पेंड करेगा। बट कंसर्न वो ख़त्म हो जाता है ना। अब आपको एक सिंपल सी एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर मैं एक पर्सन हूँ जिसने एक सीएनजी व्हीकल लेना है, वो क्यों ले रहा है? कि रनिंग ज़्यादा है। और कोई ऑटोमेटिक लेता है वो क्यों लेता है? क्योंकि उसकी रनिंग ज़्यादा है। वो सोचता है कि यार मैं ऑटोमेटिक व्हीकल परचेज़ करता हूँ, मैं नहीं तो थक जाया करूँगा। तो वो कहीं ना कहीं आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है कि ऑटो, अगर मैं एक ज़्यादा चलाने वाली गाड़ी ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक पे खर्चा कर रहा हूँ ताकि कंफर्ट मिले, तो उसमें फिर फ्यूल इकोनॉमी का फ़र्क। लेकिन अगर मैं माइलेज की तरफ जाता हूँ तो सीएनजी वाली ले सकता हूँ, जिससे मेरे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो तो एटलीस्ट बढ़ जाएगी। अब देखो, मेजर चीज़ यही है कि पावर जो है आपको थोड़ी सी कम मिलती है, ये फील भी आपको होगा। लेकिन सीएनजी के अपने बेनिफिट्स हैं कि आपको फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब सीएनजी के नुकसान और अच्छी चीज़ के बारे में और चीज़ बताऊँ आपको। सीएनजी ना थोड़ी हाई मेंटेनेंस भी होती है, तो थोड़ा सोच समझ के ही व्हीकल को परचेज़ करें। अगर आपको जेन्युइनली रनिंग आपकी ज़्यादा है और आपको एक फ्यूल इकोनॉमी का चाहिए, कि आप अपना फ्यूल में पेट्रोल में खर्चा नहीं ज़्यादा करना चाहते, तो सीएनजी की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। अब जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आते हैं उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। एक तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाहर से करवाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आया था कि जो पेट्रोल टू सीएनजी शिफ्ट करना है वो बहुत अच्छे तरीके से सेफ़ और फ्लुएंट तरीके से स्विच होता है। बिकॉज बहुत बार आपको इसको पेट्रोल पे भी स्विच करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जब पावर ज़्यादा चाहिए होगी या सीएनजी जब आपको नहीं मिल रहा, या आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ सीएनजी स्टेशंस नहीं है, तो पेट्रोल वाली ऑप्शन तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है ही। अब ओवरऑल यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करने के लिए, इसको प्रेस करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पेट्रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए तो आप सीएनजी पे भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बटन को बस दबा के रखें और सामने जो है आपके पास ऑप्शन आ जाती है सीएनजी वाली, एंड वो जब ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी तो आप इस व्हीकल को सीएनजी पे भी स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि वो उतना ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, फ्यूल इकोनॉमी का फ़र्क यहाँ पर पड़ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज। रियल लाइफ माइलेज ऑफ दिस व्हीकल इन सीएनजी कुड बी अराउंड 24 किलोमीटर पर kg। 30 तो नहीं मिल पाएगी, हाईवेज पे मे बी 27-28 आ जाए। तो उसके बारे में डिटेल जब हम इसको ड्राइव करेंगे, एक माइलेज टेस्ट किया जाएगा, रेंज टेस्ट किया जाएगा, तब आपके लिए शोकेस करेंगे डेफिनेटली। और इतना ही नहीं, अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भाई ये किसको लेनी चाहिए किसको नहीं। हमने एक रफ कैलकुलेशन की क्लेम्ड माइलेज के हिसाब से, बिकॉज पेट्रोल में 22 kmpl की माइलेज देती है और आपको सीएनजी में ये 30 kmpl की माइलेज दे रही है। अब इसे अकॉर्डिंगली इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर तो आपकी रनिंग 5000 किलोमीटर पर मंथ है, तो आप अपनी जो ये 95,000 प्लस ऑन रोड कॉस्ट यानी कि 1,00,000-1,25,000 जो एक्स्ट्रा आपने पे किए हैं वो आप कवर कर पाओगे एक साल में, अगर आपकी रनिंग 5000 पर किलोमीटर पर मंथ है, 5000 किलोमीटर्स। अगर आपकी रनिंग 2500 किलोमीटर्स पर मंथ है तो आप 2 साल में सिर्फ कवर कर पाओगे। तो आपका मनी अभी सेव नहीं हुआ, आपने सिर्फ उतनी कॉस्ट को कवर की है, उतनी कॉस्ट पूरी की है। तो मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि अगर आपकी रनिंग है 3-4 हज़ार किलोमीटर पर मंथ, तभी आप सीएनजी वाली तरफ जाएं और आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बूट स्पेस में सामान रखने की, तभी जाएं। हालांकि एक प्रैक्टिकल सीएनजी व्हीकल आपके सामने आ गया है, एक बलिनो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है और साथ में स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें भी अब नेक्सा की तरफ से सीएनजी ऑप्शंस आ रही हैं, नाउ दैट्स अ रियली गुड थिंग। बट हाँ, हर किसी के लिए नहीं है ये, उसके लिए जिसकी रनिंग ज़्यादा और जिसको बूट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी है पैसा बचाना यानी कि फ्यूल सेविंग्स जो करना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये और एक्सेल 6 पहली ऐसी प्रीमियम कार्स हैं जिसमें सीएनजी ऑप्शन आपको मिल रहा है। बलिनो सीएनजी आखिरकार आपके सामने आ गई है। अब अगली पेशकश होने वाली इनकी ब्रेजा सीएनजी और ऑफ कोर्स टोयोटा ग्लैंजा जो है वो भी सीएनजी में आने वाली है। अब टोयोटा सीएनजी इससे जो ग्लैंजा जो है इससे डिफरेंट होगी, पता है क्यों? बिकॉज वहाँ पर इसके टॉप मॉडल में भी सीएनजी ऑप्शन मिलेगी यानी कि वी वेरिएंट के साथ, जो कि बलिनो में कहीं ना कहीं मिसिंग है, अल्फा के साथ आपको नहीं मिलती, यहाँ पर डेल्टा और जेटा के साथ ही है। अब वो कितनी डिफरेंट है, क्या प्राइस का फ़र्क आता है, सीएनजी ऑप्शन कहाँ से लाते हैं वो, तो सब कुछ डिटेल मिलेगी आपको उस वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बलिनो सीएनजी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।